दोस्तों, सफल होने के लिए जरूरी है पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि सकारात्मक सोच। आपकी सोच विचार उतने ही उच्च होंगे, आपको उपलब्धियां भी उतनी अधिक मिलेगी। मनुष्य का दिमाग बहुत शक्तिशाली है, ये अपार शक्तियों से भरा हुआ है। नेपोलियन का कथन आज भी पूर्ण रूप से सही साबित होता है कि मानव मन जो भी सोचता है और जिस पर विश्वास करता है, जीवन में वह उसे प्राप्त कर लेता है। आपकी सोच जितनी ऊंची होगी, आपके लक्ष्य जितने महान होंगे, उतना आप जीवन में पा लेते हैं। छोटी विचारधाराओं से उपलब्धियां भी छोटी मिलती है। असफल व्यक्तियों के संकल्प और मांग छोटी होती है, सफल व्यक्ति बड़े सपने देखते हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस जैसी कंपनियां बहुत छोटे हिस्से से प्रारंभ हुई थी। हम सभी के अंदर अपार आंतरिक शक्ति विद्यमान है, उन पावर को जागृत करना है। आपके सामने कोई शेर आ जाए तो आप इतना तेज दौड़ोगे कि ओलंपिक के धावक आपसे पीछे रह जाएंगे। ऐसी ही बड़ी चुनौतियां अंदर छिपी है, उन्हें जागरूक करना है। अच्छे विचारों को आपके दिमाग में ज्यादा समय मिलेगा तो कुछ ही दिन में आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड, उसकी शक्ति इतनी है कि वह जीवन की हर दिशा को बदल सकता है। चलिए जानते हैं कैसे काम करता है सबकॉन्शियस माइंड। जब आप कुछ देखते हो, जिस तरह के लोगों के साथ रहते हो, उनकी आदतें आपके दिमाग में फिट हो जाती है। भले ही आप चाहो या ना चाहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो आपकी हैबिट बन जाती है। जब आप नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहते हो तो आपका अवचेतन मन भी उसी तरह सोचना शुरू कर देता है। दोस्तों, अक्सर जब हम छोटे होते हैं तो टीचर या पेरेंट्स ने कहा होता है, तू ये काम कभी कर नहीं सकता, तुम्हें कुछ नहीं आता। ये सब बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी होती है। अक्सर सकारात्मक विचार वाले लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, मुझे सब प्यार करते हैं, मैं ये सब काम कर सकता हूँ, मुझे हर चीज सही समय पर मिल जाती है। और नकारात्मक विचार वाले लोग कहते हैं, अरे यार, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे कभी भी अच्छी चीजें नहीं मिलती है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। अब आपको समझ आया कि आपकी सोच कैसी है, नेगेटिव या पॉजिटिव। कुछ लोग थोड़े सकारात्मक थोड़े नकारात्मक होंगे, उन्हें भी धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह पॉजिटिव बनाना है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करके हम नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल सकते हैं। कुछ ना कुछ सीखने की चाह, ये जो चाह है हमेशा नए राह दिखाती है, और नए राह आसान हो जरूरी तो नहीं। इसलिए रोजाना एक आदत डालिए, उसके बारे में जानिए, नए शब्द खोजिए, इससे आप अपनी नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं। डेली कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहिए, कुछ नया करने की आदत आपके दिमाग को कभी बुरा नहीं होने देती। आपके दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है पजल। एक शोध से पाया गया है कि नियमित रूप से क्रॉसवर्ड और सुडोकू गेम खेलने वाले लोगों का दिमाग ज्यादा तेज काम करता है। गाने सुनिए, संगीत वो जादू है जो दिमाग को सुकून देती है, इससे सोचने और एकाग्रता बढ़ती है। एक शोध के अनुसार एक्सरसाइज के वक्त गाने सुनने से एकाग्रता में काफी फायदा होता है। ऐसा करने से आपके ज्ञान संबंधी कार्य में दुगनी तेजी ला सकते हैं। दोस्तों, अलविदा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।